हाय गाइस, मीट माय हाफ टेम कैट। यस, तो अभी तक ये ठीक से टेम नहीं हुआ है, हो जाएगा जल्दी। एंड पता नहीं लोग क्यों बोलते हैं कि कैट मत पालना। हेलो माय गलोबर, तो स्वागत है आप लोग का डू और डाई के एक और एपिसोड पे। एंड अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, सो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप मेरे डू और डाई के प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, पिन कमेंट पे मिल जाएगा, या फिर आई बटन पे अभी एक कार्ड प्लस होगा तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि इसमें करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप जब खेलोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा सीरीज फॉलो करने से। एंड अगर आपके पास क्रिएटिव से खिलौना निकल के खेलने की आदत है तो कोई बात नहीं। एंड कैसे खेल सकते हो ये जानने के लिए आप वीडियो देखते रहिए। एंड यहाँ पे मशीनरी वाले कोई भी मॉड्स और ऐड नहीं होने वाला है, तो उसके लिए मैं अलग सीरीज सोच रहा हूँ। एंड आज थोड़ा सा ग्लिच ब्लिच दिख सकता है, क्योंकि आज मैंने थोड़े और मॉड्स मैंने ऐड किए हैं वर्जन 2 अपडेट के लिए। और यहाँ पे देख सकते हो हमें स्प्रिट 2 एंड जंप बूस्ट 2 मिल रहा है, तो एक तरह से हमें एंशिएंट स्प्रिट मिल रहा है। तो एंडर स्टफ भी यूज़ नहीं होने वाला है, बट हाँ जेट पैक ज़रूर ऐड करने वाला हूँ। जेट पैक की मदद से हम लोग उड़ सकते हैं, वही मेन काम की चीज़ें हैं। एंड जल्दी ही मैं अपडेट दे दूंगा। तो यहाँ पे पहले तो मैं ये बना लेता हूँ। तो कॉन्जरिंग टेबल आ चुका है, तो इस टेबल का काम भी मैं दिखाता हूँ। तो इसमें हम लोग थोड़े बहुत स्पिरिचुअल काम कर सकते हैं, और उधर एक मैजिक टेबल है। एंड ये 1.18.10 की ग्लिच है भाई। तो ये वाला ग्लिच फिक्सिंग वाला जो ट्रिक है, ये बस डू और डाई मॉड के लिए है, क्योंकि बहुत सारे 1.17 की बैकडेटेड मॉड है जो फिक्स नहीं हो सकता। तो हमें वीडियो सेटिंग पर आना है, एंड वीडियो सेटिंग पर आने के बाद यूआई प्रोफाइल को हमें पॉकेट करना है बस। तो पॉकेट हो चुका है, अब सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो इसे मैं यूज़ कर सकता हूँ, पहले तो मुझे एक चेस्ट चाहिए। एंड अब यहाँ पे आते हैं तो मैं ये बना सकता हूँ सस्पिशियस चेस्ट। और ये जो सोल है, ये आपको सोल बायोम पे मिल जाएगा, सोल वाले मॉन्स्टर को मार के। एंड इस चेस्ट को मैं तोड़ भी सकता हूँ अगर मैं हिट करूँगा। ओके, तो यहाँ से एक मॉन्स्टर निकलेगा। आई थिंक मुझे इसे तोड़ना चाहिए था, हिट नहीं करना चाहिए था। वैसे भी भाई इतना ओपी बन चुका हूँ, अभी इससे थोड़ा ही डरूंगा मैं। हाफ हार्ट डैमेज, नॉट बैड, नॉट गुड, सॉरी। एंड हाथों से मार सकता हूँ इसे, एक आचा। ओके, शॉर्ट से ही मार देता हूँ, नाइस। और कुछ ड्रॉप भी नहीं किया इसने, ओके, वेरी वेरी नाइस। एंड यहाँ पे मुझे ओके पोर्टल लाइट अप करने के लिए एक की चाहिए, और मुझे पता है ये की कहाँ पे मिलेगा, तो मुझे पहले बॉस को ढूंढना होगा। सो एक छोटा सा एडवेंचर पे निकला हूँ, देखते हैं बॉस की डंजन कहाँ पे मिलता है। क्योंकि मैंने आसपास बहुत ज़्यादा चंक एक्सप्लोर करके रखा है, तो मुझे न्यू चंक पे जाना होगा तभी मुझे बॉस मिलेगा। एंड मेनली प्लेन बायोम या फिर एकेसिया बायोम, कुछ ऐसे टाइप की बायोम पे जाना होगा तभी ये बढ़िया होगा। तो यहाँ पे और यार इन लोगों को एन्चेंटमेंट बुक देना चाहिए था, और ये आई थिंक प्लेजर का विलेज है। यस, तो यहाँ पे प्लेजर रहते हैं। इस विलेज में मेरा कोई काम नहीं है, मुझे सीधा बॉस को ढूंढना होगा। एंड रास्ते में मुझे वेस्ट स्टोन भी मिल चुका है, तो एक काम करते हैं वेस्ट स्टोन भी उठा लेता हूँ। मैंने खंबा लेना भूल गया था भाई, ये थोड़ा सा लैगी हो रहा है। बाय द वे ये फिक्स हो जाएगा, इसका कोई टेंशन नहीं है, अभी तो बस बीटा वर्जन पे है। जल्दी सारे टेस्टिंग हो जाए उसके बाद आप लोगों को वर्जन 2 मिल जाएगा, और ये आएगा हाई एंड डिवाइस के लिए। और यहाँ पे मिनाटोड स्पॉन हो चुका है, तो मेंटारो, ओके ये मेंटारो, मिनाटो की बोल रहा हूँ मैं, नारुतो। ओके, तो ठीक है, मेंटारो को मारने का टाइम आ चुका है। एंड एक मिनट, ये इसका कैसल है या बेस है, चलो एक बार ऊपर जाकर देखता हूँ। ओके, एक छोटा सा डंजन टाइप का कुछ है। एंड यहाँ पे ओके उस साइड पे रास्ता भी है, एंड एक फ़ोटो हो जाए इसके साथ, चीज। एक और प्लेजर का कैसल, सो इस कैसल से हमें एमेथिस शार्ट मिल जाएगा। तो पिछले वीडियो पे कमेंट आया था मुझे एमेथिस शार्ट कहाँ से मिला है, तो दिखा देता हूँ एमेथिस शार्ट कहाँ से मिलता है। तो इस कैसल के आपको इस ऊपर वाले फ्लोर पे आना है। एंड एक मिनट, ये लोग जम क्यों गया था, ओके तो की मास्टर स्पॉन हुआ है इसलिए ये लोग जम गया था, समझ गया। तो की मास्टर मुझे यहाँ पर ही मिलेगा भाई, मैं की मास्टर के लिए आया हूँ। ओके, पहले तो ये भी तो दिखा दूँ एमेथिस शार्ट कहाँ पे मिलेगा। तो इस चेस्ट को खोला, यहाँ पे आपको दो एमेथिस शार्ट मिल जाएगा।
मुझे एमेजिंग स्टार की भी ज़रूरत है और लेदर भी लेना है, कब का स्पॉन होगा कोई ठीक नहीं है। तो ये की मास्टर की बेस है, डंजन है, तो यही पे की मास्टर स्पॉन होता है। एंड कहाँ पे है इसका की मास्टर, मास्टर की हेल्थ तो मुझे दिख रहा है। ओके, इस साइड पे जाओ एंड ओडा, तो इसकी टेक्सचर थोड़ा ग्लिच हो चुका है भाई, नहीं होना चाहिए था। एंड की मास्टर को मारो। ओके भाई, मुझे नीचे जाना पड़ेगा इसे मारने के लिए। एंड इस की मास्टर को जैसे मैं टपका दूंगा तो मुझे से की मिलेगा। ओके, मिल चुका है की। अब बस इसके मदद से मैं पोर्टल को लाइट अप कर सकता हूँ। और भी कुछ चीज़ें चाहिए? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, तो मुझे यहाँ पे ऐसे डाई को रखना है और सारे डाई से हम लोग कलर नहीं कर सकते वेस्टर्न को, एक्टिव नहीं कर सकते। यहाँ पे सारे कलर की ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, तो घर वाला वेस्टर्न ब्लू कलर से था। एंड अब हम लोग जाने वाले न्यू डायमेंशन में, अनदर डायमेंशन, जिसका नाम मैंने एंड लैंड रखा था क्योंकि ये एंड पे है एंड छोटा सा है, कॉज मेरा कस्टम डायमेंशन फीचर्स 1.18 पे काम नहीं करता। तो कुछ 1.17 में एक कस्टम मैप आने वाला है मेरा, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बट उससे पहले एक स्काई ब्लॉक सीरीज़ भी आने वाला है। बहुत कुछ चीज़ें मैंने प्लान किया है, बट जल्दी जल्दी वीडियो तो डालना चाहिए मैं भी ना। और भाई फर्स्ट टाइम मैं नेदर में इतना रिकलेसली घूम रहा हूँ। देखो भाई यहाँ पे पावर चार्म की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा स्पीड मिल रहा है एंड मेरा फायर रेजिस्टेंट रिंग की वजह से मुझे कोई फायर वाले डैमेज भी नहीं लग रहा भाई, बिल्कुल इंसेन बन चुका हूँ। और नेदर पे आने का भी एक रीज़न है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उस चीज़ को ढूंढना होगा कहाँ पर है। ओके, आई थिंक मुझे दिख गया ये, तो मुझे चाहिए था डायमेंशन और, तो इसकी मदद से मैं डायमेंशन की को बना सकता हूँ। एंड ये वाले और आपको नेदर में एंड एंड पे इजीली मिल जाएगा, ओवर वर्ल्ड पे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ओके, मेरे पास आ चुका है मल्टी डायमेंशन और, एंड जब इसे तोड़ोगे थोड़ा सा गेम लोड होने में टाइम लेगा, तो इसमें थोड़ा सा कस्टम सिस्टम ऐड किया गया है जिसकी वजह से थोड़ा सा लोड लेगा। तो मैं अपनी पोर्टल को इस साइड पे बनाने वाला हूँ, वहाँ पे मेरा घर है तो घर से ये पोर्टल सही दिखेगा। तो सारे पोर्टल्स को मैं इसी साइड पे बनाऊंगा, तो ये कुछ ऐसा बनता है। हाँ, तो ये वाला जो ब्लॉक है ये अपना मॉड वाला ब्लॉक है, और इसका जो पोर्टल वाला सिस्टम है ये बिल्कुल रॉकेट वे 57 का ही सिस्टम है, मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। यस, तो तुम्हारे भाई आने वाले टाइम पर खुद का ये कस्टम पोर्टल वाले मॉड बना सकता है, तो ये कुछ ऐसा है। एंड मुझे यहाँ पर इग्नाइट करना पड़ेगा, एंड इसके लिए मुझे चाहिए लावा बकेट, जो कस्टम वाले लावा बकेट मेरे हाथ में है, अब ये दिखा देता हूँ तुम्हें। तो आपको ज़रूरत है ये वाला लावा बकेट, तो बकेटर, जिसका नाम है लावा बकेटर, तो इसको आपको ऐसे फेंकना होगा हाथ में लेके, जस्ट लाइक दैट फेंको। ओके, फेंक दिया तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो अगर एक कॉर्नर पे ना हो तो दूसरे कॉर्नर पे ट्राई कर लेना, क्योंकि ये पोजिशन हिसाब से कॉर्नर चेंज हो जाता है। ओके, तो अब ये एक्टिव हो चुका है। ये सो मैं अपने मॉड वाले सिस्टम को रॉकेट रे 57 के मॉड के साथ मिक्स कर सकता हूँ, बाद में मैं खुद का एक अलग से बना लूँगा, अभी टाइम नहीं है इसलिए। और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा जब भी डायमेंशन में जाओ तो पहले क्रिएटिव मोड पे जाया करो भाई, ये कभी कभी स्पॉन नहीं होता आइलैंड, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो मैं एक क्रिएटिव मोड पर जाकर देखता हूँ कि आइलैंड स्पॉन हो रहा है या नहीं, वरना बहुत सारे सामान खो सकता है। ओके, स्पॉन हो चुका आइलैंड, मतलब कभी कभी थोड़ा लोड लेने में टाइम लेता है, तो समझ गए होगे। तो अब सर्वाइवल में आ चुका हूँ, एंड यहाँ पे एक एंड बेटर एंड वाला मॉड भी आपको मिलेगा, तो उसको आप तभी ऐड करना जब आप सारे डायमेंशन घूम लिए होगे, वरना दिक्कत करिएगा। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है भाई, पहले ही बताया मेरे कस्टम डायमेंशन वाले फीचर्स काम नहीं कर रहा, तो मैं जैसा बनाना चाहता था वैसा बन नहीं रहा, ये सारे मैंने मैनुअली बनाए हैं कोई कोड से नहीं। तो यहाँ पे केव एंशिएंट केव स्पाइडर बॉस है, तो आपको बस यहाँ पे एक ब्लॉक तोड़ना है, बॉस ब्लॉक, और ये स्पॉन हो जाएगा। और ये मेरा वाला बॉस नहीं है, ये रॉकेट वे 57 का बॉस है मैंने बस उसकी थोड़े स्पॉन सिस्टम को कस्टम कर दिया है। एंड भाई ये बॉस पॉइजन भी दे रहा है, एंड ये यहाँ पे शायद रुका है, मैं ज़रा इसे मारने की कोशिश करता हूँ। भाई हिल क्यों नहीं रहा, एक मिनट पास जाकर देखूँ। अरे यार 1.18 की ग्लिच, ये 1.18 की ग्लिच है, कोई भी एंटिटी कहीं पे भी फंस जाता है,
वही आई थिंक यहाँ पे कोई सीपेक स्पॉन होना चाहिए था, तो गलती से ये डायमेंशन स्पॉन हो चुका है। तो अगर आप में भी ये सेम ग्लिच हो जाए तो आप ये वाले कमेंट को कर सकते हो, तो आपको बॉस ब्लॉक फिर से वापस से मिल जाएगा, जेड सी प्लस बॉस। तो कुछ ऐसा कमेंट आपको पास करना है, बस ये आ जाएगा आपके पास बॉस ब्लॉक। एंड ये क्या ग्लिच हो चुका है भाई, ये वाला एंटिटी भी यहाँ पे फंस चुका है भाई, ये जगह आई थिंक लैग प्लेस हो चुका है भाई। ओके एंशिएंट केव स्पाइडर, तो अब इसको यहाँ पे मारते हैं। मुझे यहाँ पे जेट पैक ऐड कर देना चाहिए था, सबसे बेस्ट होता, बिना सील ड्रिंक के भाई पॉइजन के साथ डील करना बहुत मुश्किल है। एंड यहाँ पे अपना ग्रेप है, सामान उठा लो एंड पहन लो जल्दी जल्दी, वो आने ही वाला है। ओके वो आ ही रहा है भाई, भागो भाई, इसके साथ भाग भाग के फाइट करना पड़ेगा मुझे। और नॉक बैक, यहाँ पर नॉक बैक क्या खतरनाक है, देखो पॉइजन है ना इसीलिए ये ज़्यादा एडवांटेज पा रहा है, अगर इसके पास पॉइजन नहीं होता तो मैं ऐसे अच्छे से दिखा देता। अगर ध्यान से देखोगे तो बॉस के ऊपर कुछ पार्टिकल दिखेगा आपको, तो ये बॉस एक्चुअली स्टेज 2 पे आ चुका है, मतलब ये और भी ज़्यादा फास्ट हो चुका है एंड और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, तो इससे मुझे थोड़े बच बच के लड़ना होगा। एंड ये मरने वाला है भाई, ये ख़त्म। ओके मरा फाइनली, एंड इससे मुझे क्या क्या मिला एक बार देखना होगा। तो मुझे थोड़े बहुत ब्लॉक मिला है और एक डिस्क मिला है और एक केप बॉस स्टाफ, तो इस स्टाफ की मदद से भाई मैं बहुत ओपी चीज़ कर सकता हूँ। आप पता चला ये बॉस इतनी पावरफुल क्यों है, तो मुझे इसकी एक एबिलिटी मिल चुका है, तो देखो ये भाई ये एबिलिटी बहुत खतरनाक है, अभी मर जाएगा ये सारे, इसीलिए मैं ज़्यादा जल्दी मर रहा था। सो गाइस फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आ रहा सायोनारा।